लोग अभी तक क्या पढ़ लिए थे? हम लोगों ने समांतर रेखा पढ़ लिया था, उसको काटने वाली रेखा यानी कि तिरक रेखा पढ़ लिया था, उनके द्वारा बना हुआ संगत कोण पढ़ लिया था, हमने संगत कोण बराबर क्यों होते हमने प्रूफ भी कर दिया था, हम लोगों ने एकांतर कोण भी पढ़ लिया था, एकांतर कोणों को हम लोगों ने बराबर भी कर दिया था। फिर एक कोण इसमें बचा था कि तिरक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है ना, को इंटीरियर एंगल, कौन को इंटीरियर एंगल, हम लोगों ने उसके सम को कितना कर दिया था प्रूफ, 180 प्रूफ भी कर दिया था। सब बात खत्म, हम लोग इतना कुछ करके चले हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पर, बचा रखिएगा कि हमको एकांतर के भी बारे में पता लगाना पड़ेगा, संगत भी खोजना पड़ सकता है, शीर्षाभिमुख भी खोजना पड़ सकता है, ठीक, या अंतः कोणों का योगफल 180 भी खोजना पड़ सकता है, या हमें रैखिक कोणों का युग्म भी हमें करना पड़ सकता है। ये पांच चीज़ों का प्रयोग करके हमको अपना अपना आंसर निकालते रहना है। कोई दिक्कत? सही बात है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। एग्जाम्पल का जो प्रश्न है, पहला एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, सब समझना बहुत आसान होगा, सिर्फ ध्यान से एक बार समझो। ये एक समांतर रेखा है, कौन सी रेखा? बहुत बढ़िया, समांतर रेखा। आइए कौन सी रेखा है देखो, तो वीडियो में आ रहा है ना, तब ठीक है। एक यहां मान लो कि P है, सीख रहे हैं अभी। अभी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाद लाइक लगा के करना पड़ेगा बाबू, समझेगा। अब मान लो कि अभी देख लो, अभी सामने देख रहे हो सब, मैंने बाद में जानते हो ऑटोग्राफ लेने के लाइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 60 है, ठीक है, दूर से कौन है, कौन सा फोको सब आया हो, तब आके लाइन लगाया था, हटो ये तो अभी कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो, तब तो कहें कितना सही पहिका हुआ सुनिए, ये सब पहिका हुआ सर। यहाँ देखो हमको निकालना क्या है कि कोण CDS बराबर वाट आ कोण CDR बराबर वाट आ दिया क्या है, ये समझो, दिया है हमको कोण PCD बराबर 60 डिग्री, समझ में आई बात, देखो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, एकदम सही दिमाग लगाना है, सही डायरेक्शन में लगाना है, क्या बाबूगा, पहले कोण को मार्क कर लो, सबसे आसान तरीका है कोण को मार्क कर लो, तब तुमको बुझा जाएगा, ठीक, CDS दिख रहा है, तुम इधर बैठो, यहाँ देखिए CDS CDS यानी कि ये कौन मान लेते, इसको एक से मान लेते हैं, बुझाएगा क्या, CDR वही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ तक बोलो किसी को दिक्कत है कुछ, हमको इन्हीं दोनों का क्या निकालना है, मान निकालना है, क्या निकालना है, मान, निकाल ठीक, अरे बहुत आसान था,
चूंकि को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सिंस, चूंकि कोण पी सी डी बराबर कोण सी डी एस, कारण देना बहुत जरूरी है बाबूगा, अंत एकांतर कोण, आप पी सी डी का मान कितना 60 डिग्री, तो कोण सी डी एस, इसलिए कोण सी डी एस भी हो गया हमारा 60 डिग्री। बोलिए ना, कौन दिक्कत है क्या बताओ, इंक बेकार ना बर्बाद हुआ हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब ये 60 तो ये भी हो गया हमारा 60, हटा के 60 लिख देगा, मजा आएगा, थोड़ा मजा आएगा। अब हमको क्या निकालना है, अब वाई के पीछे पढ़ो, किसके पीछे, एक्स का साँच छोड़ दो, वो एक्स हो गया। ठीक, यहाँ हमारे पास दो तरीका, कितना दो तरीका, ये दोनों कौन से कौन है, त्रियक रेखा के एक ही और के अंत कौन, जिनका योग कितना होता है, तो यहाँ से भी अपना निकाल कर लेके जाओ। और ये दोनों कौन से कौन, रेखी कौन, बहुत बढ़िया, कौन कौन, लीनियर एंगल, तो ये भी कितना होते हैं, तो तुम्हारे दोनों हाथ लड्डू है, मन करे तो इससे निकालो, मन करे ऐसे निकालो, कौन दिक्कत है क्या, बोलो कौन रोक लेगा, नहीं रोकेगा ना, तो यहाँ लिखो, चूंकि एंगल पी सी डी आ प्लस एंगल सी डी आर बराबर, देखो तो हमने पूरा लिख सकते हैं ना, कारण त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, मैं कांतर कांतर बकलोला कौन कौन बकलोला कांतर बोल रहा है, ये सब कहीं से आता होता नहीं ना है, घर से पी सी डी पोखरा कम ना है, करो सब पोखरा सब दहवा के आ जा रहा था उधर है, आ कौन सी डी आर तो निकालना ही है, तो रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, अब बराबर में आ? ठीक, दोनों का पट नहीं रहा है तो पटवाई जाए इसके साथ, यहाँ पे इसको यहाँ पे सी डी आर बराबर, क्योंकि दोनों जो है, देखो हम यहाँ पे जोर इसे नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों की जातियाँ अलग है, ये अंक है और ये एंगल है, एंगल में भी मैं अल्फाबेट है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि इसकी जाति का यहाँ पे है, भेज दें। और जब भी कोई चीज बाउंड्री को फानता है तो कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा, तो अगर जोर रहेगा तो घटाव हो जाएगा, घटाव रहेगा तो जोर हो जाएगा, गुना रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुना हो जाएगा, बुझ रहे हो, तो माइनस में हो जाएगा 60। इसलिए कौन सी डी आर बराबर निकल गया 120, बोलो 100 डिग्री, कोई दिक्कत है तो बोल दो, बताओ भारी था, सही बात है, ये तभी पॉसिबल है जब हमको एंगल की पहचान होगी। अब मान लो कि ये पूछ रहा है, यहाँ दिया हुआ तो पूछा ही नहीं रही है क्या, तो क्या होगा, बने कोई होगा, अब नहीं ये पता है, ये निकालना है, पता नहीं क्या रखी हुई काम करेगा तो फिर बनेगा नहीं, यह दिया हुआ है ये निकालना है, पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या है, तो फिर नहीं बनेगा। कौन की पहचान होनी बहुत जरूरी है, अगर जान पहचान कौन के साथ हो गया तो अब तुमको बहुत कम परेशानी होगी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा में।
दिक्कत यहाँ क्या है, कौन पहचान जाना, क्या बुझ लो, बुझ लो, नोट करना तो कर लो, नहीं यार आएगा तो ऐसे कर लो, चलिए देखिए यहाँ पे। तो हम लोगों ने देख लिया कैसे बना क्वेश्चन, एक ही चीज़ में इम्पॉर्टेंट है कि हमको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा एंगल और कौन सा एंगल एक साथ जाएंगे। जो दिया हुआ एंगल है और जो निकालने वाला एंगल है, दोनों के रिलेशन अगर हमको बुझा जाएगा कि इनमें क्या रिलेशन है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और जब रिलेशन नहीं बुझाएगा तब तुम कुछ भी कर लो नहीं निकाल पाओगे। ये पहचान जरूरी है कि उसमें रिलेशन किसका है। तो दिक्कत, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाना, ये तुम लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, समझिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, बस तुम्हें पहचान लेना है। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है हमारा ई, यहाँ पे है जी, और जो एंगल दिया हुआ है इसका मान है 132, ठीक। और यहाँ पे है एच, और यहाँ पे है एफ, और यहाँ लग गया वाट, यहाँ लग गया वाट, और इसी का तुम्हें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि तुमको निकालना क्या है, जी एच डी निकालना है, क्या निकालना है, ठीक। ध्यान से देखो, दिया है यहाँ पे, पूछ रहा है इसको, अब पहले का दिमाग लगाओ कि क्या इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन होता है क्या, नहीं, क्योंकि ये भी रेखा के ऊपर है, ये भी रेखा के ऊपर है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो ऐसा रिलेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि लेफ्ट राइट का जब रिलेशन बनेगा तो एगो ऊपर है तो वो नीचे रहना चाहिए, अगर एगो लाइन के ऊपर है तो एगो लाइन के नीचे होगा, तभी जाकर एक एक बनता रिलेशन। अन्यथा अगर दोनों एक ही साइड में हो, लेफ्ट लेफ्ट में हो, राइट राइट में हो, और दोनों एंगल दोनों मतलब कि लाइन के ऊपर हो, तब एक रिलेशन बनता है, ये ना होता है तरीका। अब मुझे बताओ, जब रिलेशन बन नहीं रहा है, निकालना तो है, तो कैसे निकाला जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया आसानी से। देखो इनका रिलेशन नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये जो है एंगल के ऊपर मतलब कि लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे लाइन के ऊपर एक एंगल बनेगा, जो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्यों होंगे बराबर, क्योंकि ये है संगत कोण, क्यों है संगत कोण। तो हम इससे इसका मान निकाल सकते हैं रैखिक युग्म का यूज करके, और जब ये निकाल देते फिर कौन रोक लेगा, एक ये तरीका हुआ। दूसरा है, देखो आ जाओ ना इसके पास पहुँच जाओ, हाई 132 है, भी कितना, क्यों 132, अच्छा भाई 132 है कितना, पूरा मिला के 180, 180 में से 100 गया तुम्हारा 32, तो बचा कितना बताओ, ये सब बनाओ, अपने से बनाओ, खुद बनाओ, ये तुम लोग जल्दी बनाओ। अब फिर तुम्ही को बुलाना बोर्ड वहाँ पर, तुम्ही से बनवाएंगे, तो नहीं नहीं है तो यहाँ देखो कैसे बन रहा है, समझा, समझे, हाँ तो देखो ध्यान से।
ये 180 क्यों हुआ? लिखिए यहाँ पे कारण दीजिए। दिक्कत तो ईजी भी निकला आपका, कौन निकला? ईजी भी निकलना कौन है? जी एच डी ना है वो निकालिए। क्या रिलेशन दोनों में, दोनों में क्या संबंध होगा? ये दोनों लिखिए, आपस में क्या होते हैं दीजिए। अड़तालीस थोड़ी संगत होगा, अड़तालीस समान है ना। जी एच डी किसका संगत होगा? जी एच डी किसका संगत होगा? लिखिए, उसको लिखना पड़ेगा ना। यहाँ देखो, यहाँ बुलाएंगे तुम लोग को, मौका देंगे देंगे होगा। पीछे पीछे सब बोल रहे हो, सब सबको देंगे मौका। जी एच डी अड़तालीस कहाँ है तुम देख नहीं रही? कौन 48 है? ये निकाला हो गया। इस तरह से आंसर आ गया। बहुत तरीका होता है, तुम देखो, तुम्हें पहचान लेना है सिर्फ कौन। तुम्हें क्या पहचान लेना है? कौन। तुम कौन पहचान लेना? देखो यहाँ पे ये 132 है, देखो कितना तरीका है। 132 ही है तो हाई 132 से होगा सम्मुख कौन, और फिर दोनों मिला कितना होता है अंत कौन? 180। लो आगे 48 देख रहे हो, ये तरीका है। देखो हाई 132 है तो नीचे वाला कितना होगा? क्यों रेखा कौन है तो ये 48 होगा। हाई दोनों दोनों क्या है? एकांत एकांत बुझा रहा ना। बहुत तरीका, गजब बनाओगे, लेकिन बनाओ कब? जब बुझाएगा कौन, बुझाना चाहिए कौन कौन जाके किसके साथ बराबर होगा, किसके साथ रिलेशन बनाएगा। जब यही नहीं बुझाएगा तब तो दिक्कत है। अरे बिल्कुल सब सही है, ठीक। इसने बनाया रेखी का, समझ गए यूज करके। तुम एक तुम बनाए हो रेखी का, एकांत का यूज करके कोई दिक्कत नहीं। हम बनाते तो हम बनाते किसे सम्मुख अंतर का यूज करके बना देते, यही तरीका है। उसके बाद एक बार बाह्य का अंत मिट जाता है। देखो यहाँ 132 तो यहाँ भी लगा दो तो मजे मजे है पूरा, ठीक बस। लेकिन मजा तभी आएगा जब कौन बुझा जाएगा, दिया है जो कौन और जो निकालना है कौन, उसके पास पहुँचा कैसे जाए, उसके पास पहुँचा कैसे जाए। क्या वो डायरेक्ट रिलेशन में है या इनडायरेक्ट रिलेशन? अगर डायरेक्ट में है तो एक बार निकाल देंगे सर, और इनडायरेक्ट में है तो देखेंगे कि कोना के साथ उभी रिलेशन बना रहा है और जो दिया हुआ है उभी रिलेशन बना रहा है। अगर दोनों का मिल गया रिलेशन तब तो क्या करेंगे, बीच में निकाल के उसके पास पहुंच जाएंगे। मान लो तुमको कोनो काम विधायक जी थे और तुमको विधायक जी पहचानते ही नहीं, तो बताओ गड़बड़ होगा ना। तुम जाने में डराओगे कि विधायक जी बतिए ही हम कि ना बतिए, भगा दिए हम दौड़े पर से। हो गए वो जब 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 देवे करा है तब दिया गए, ओकरा बाद तू पीछे पीछे ना हो ना हो तब जैसे मान लगे तू हो गए लो हई हो विधायक जी, मान लगे तू नहीं तो देखब कि एगो बाबे हई दलालवा, ठीक। मतलब एकदम विधायक से चिपकल रहत हवे, आ विधायक से काम निकलवाना है, आ तुमको पता है कि काम विधायक जी करेंगे नहीं, विधायक जी काम करेंगे नहीं, मतलब तुम कहोगे तो नहीं करेंगे, लेकिन दलालो कहेगा तो कमीशन बन जाएगा विधायक जी का।
आ तुम कहोगे तो डराएंगे बुझाएंगे कि भाई कहेंगे कोचिंग कोचिंग कर और लिया तो वायरल कर देगा, अब वायरल कर देगा तो हो गया छुट्टी से, ठीक तो डराएगा तुमसे। अब विधायक जी को कमीशन लेना है, ठीक तो विधायक जी किसको सेट कर रखते हैं, तो तुम अगर डायरेक्ट पहुँचोगे विधायक जी के पास तो कोई रिजेक्शन नहीं बनेगा, तब तुम जाओगे दलालवा के लगे कहोगे। तो मान लो कि अगर कहीं 20 लाख का काम है तो दलालवा कहेगा ठीक है तो हो जाए, हाँ आप हम 20 लाख पास करवा रहे हैं, कुछ करिए दाना पानी खुराकी उड़ा के दीजिए, तो बोलेगा कहते ना। तो अब ये नहीं ना कहेगा डायरेक्ट कि विधायक जी के भी हिस्सा है, कहेगा ज़्यादा का दीजिएगा, जब 20 लाख काम हो रहा है तो दे दीजिए 2-3 लाख हो गया। अब मान लो कि तुमको भी कामे है, ठीक बात चाहबे करी तो तुमको भी लगे चलो मान लो कि 2-3 लाख खर्चा करके 20 लाख मिल जा रहा है, क्या दिक्कत है, हो गया ठीक। अगर मान लो कि अगर 2 लाख मिला तो 1.5 लाख गया विधायक जी के पास, 50,000 हो गया पीए के पास, 3 लाख मिला तो 2 लाख विधायक जी के पास, 1 लाख पीए के। तो यही तुमको देखो दो चीज़ें हमको समझना है, अगर डायरेक्ट रिलेशन बना, डायरेक्ट मतलब क्या, संगत का संगत के साथ, एकांतर का एकांतर के साथ, अंतः का अंतः के साथ, एक तरीका हुआ, दूसरा नहीं हो रहा है तो तुम दिमाग लगाओ कि किस कोण का मान हम निकाल दें तो उसके साथ वो रिलेशन बना लेगा, बुझ रहे हो, यही तुमको सोचना है। अगर तुम ये सोचने लगे तब तो तुम्हारा मतलब कि समांतर रेखा तिरेक रेखा कहीं फंसेगा ही नहीं, समझ में आई बात। तो ये जो होता है ये बहुत कम मिलता है, डायरेक्ट कम जाए, डायरेक्ट देगा तो फिर क्वेश्चन का मतलब एक होता है, लड़का देखेगा आंसर मार के निकल जाएगा, कहे के लिए बनाएगा वो बकरो लड़के बात, ठीक है। यही से तुमको क्या देता है, इन्हें घुमा कर देता है कि पहले कौन और का निकालिए तब ओकरा संगे जाके रिलेशन उसका बनाइए, बुझ रहे हो, किताबों लेके भागो गया सही है। तो यहाँ देखिए ये तुम लोगों को एकदम मतलब कि क्या बोलते हैं छठी का दूध याद दिला देगा, ठीक है, मतलब कि आत्मा में रेखा खींचा जाएगा ना कि तुम रेखा देखते 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 रह जाएगा, यहाँ देखो रेखा, देखो सिर्फ रेखा, हो गया सही कह दिया सच मुँह बाजी कि ना हो क्या अब, हाँ हाँ मुँह बाजी हन अभी मुँह बंद बा कहूँ कर देख तो चेक कर तो यहाँ है एफ, यहाँ है डी, और ये जो कोण है ये है तुम्हारा 30, और ये जो कोण है वो है तुम्हारा 36। हाँ अब यहाँ देखो सब फोटोज बन गए ना सही सही, तुमको यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो तुमको ये सुनो कोण निकालना नहीं है बबुआ, तुमको इसमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है कहा ढकलाता रहो मेरा के ए बी जो है मतलब कि उनका गोल टूटे बना फेरा मारे के मोबाइल टूट दस है ना, क्या दिक्कत हम कर जाकर पीछे बैठ जाओ सुनो, हमको क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो ई एफ के समांतर है। अब देखो
उस समय से चीजें आसान थी, है ना। उस समय से क्या समांतर दिया रहता था, हम लोग फटाक फटाक को निकाल रहे थे, ठीक। अब हमें क्या करना है कि अब हमको समांतर प्रूफ कर देना है। क्या प्रूफ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन इसमें तुमको ए वो क्लू दिया हुआ है पहले ही से, देखो दिख रहा है ना कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ये तुमको दिया है, ये गिवेन है। हाँ, ए बी सी डी के समांतर ये तुमको दिया हुआ है, लेकिन तुमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो ई एफ के समांतर है। अब समांतर प्रूफ करेंगे कितने कंडीशन, क्या क्या हम करेंगे जो समांतर हो जाएगा। पगला गया इतना, अगर हम एकांतर बराबर, अगर हम एकांतर बराबर कर देंगे तो भी समांतर हो जाएगा, अगर हम संगत गुण बराबर कर देंगे तभी भी समांतर हो जाएगा, अगर हम तिर्यक रेखा के एक ही और कोणों का योग अगर 180 कर देंगे तो भी। ये तीन को तरीका है हमारे पास, तो हम इसी में से किसी के पीछे पड़ेंगे, ठीक है ना, किसी के पीछे पड़ो कहानी बन जाएगी, ठीक, समझो इस चीज को। देखो एकदम मतलब उतना है नहीं तुमको, देखो अगर तुमने इन, सुनो ध्यान से, ए बी और सी डी जो है वो पहले से समांतर है दिया हुआ है, अगर तुमने गलती से भी ई एफ को, जाओ घर जाओ सर, अगर तुमने ई एफ को सी डी के समांतर प्रूफ कर दिया तो अपने आप ही जाके ए बी के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले से दोनों समांतर थे ना, समझे। जैसे मान लो कि राम और श्याम दोनों के पास 1000 रुपया है, हम कह रहे हैं कि मोहन के पास भी राम के बराबर पैसा है, तो कौन रुपया है 1000 रुपया, हाँ, तो क्या राम मोहन के बराबर तो नहीं हुआ, श्याम बराबर नहीं हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। तो हर दोनों पहले समांतर था, हम अगर इसको इससे समांतर कर देंगे तो पहले हेकड़ा संग था, अब हेकड़ा संग हुआ तो सब एकड़े ना हुआ, सब एक हो जाएगा तो सब समांतर प्रूफ हो जाएगा। इसलिए तुम ध्यान से, अगर तुम इसको अगर प्रूफ कर दे डायरेक्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करोगे तो दिक्कत, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि इसका तीजे करके चल गया ही नहीं, तो हम इन दोनों को आसानी से कर सकते हैं समांतर प्रूफ, और इसी के आधार पर हम इसको भी कर देंगे, यहाँ पर ला देंगे, कोई दिक्कत। तो तुम इन दोनों के पीछे पढ़ो, पहले दोनों के पीछे पढ़ो, ठीक। यहाँ देखो ये 66 है, जोर में भी 66 होगा, चेक करो, सही है, सही है ना। और अब देखिए यहाँ पे ये बुकवा छूट गया था, कह रहे काहे, देखो यहाँ जो है यहाँ पे 150 दिया हुआ है, दिया हुआ है, तुम्हारा काम बिल्कुल हो गया आसान, तुम्हारा काम है। देखो एक यहाँ रेखा जा रही, एक यहाँ रेखा जा रही, ये दोनों रेखाओं के बीच में है, हम नहीं मानेंगे कि समांतर है, समांतर नहीं मानेंगे, देखो हम तिर्यक भी नहीं मानेंगे, हमको दो को कौन पता है, देखो यहाँ पे इसको हम जोड़ के देखते हैं क्या, जब हम 150 को जब हम 30 में जोड़े तो हमको 180 मिल गए, ठीक। हम अभी हम सीखे हैं कि अगर एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, बड़े नंबर, बुझ रहे हो, बुझ रहे हो ना, इसका मतलब है कि अंतः कोण के कारण ये क्या हो जाएगा, भारी है, चुटकी में प्रूफ हो गया, बताओ हम तो बेकार में इतना इतना मिठी ले लिए, वही ना, अरे हमको दिया ही नहीं, अरे सही कह रहा होगा। यहाँ देखिए, चूँकि कोण FEC और प्लस कोण DCE बराबर, FC का मान कितना है 150 डिग्री, ठीक, आ DCE का मान कितना है, दोनों मिला देना तो कितना हो जाएगा 180, जो कि कौन और कौन काम है ना है, जो कि तिर्यक रेखा के
एक ही ओर के अंतः कोण है, अंतः कोण है, अतः अतः EF जो होगा, अतः जो हमारा CD जो होगा, CD वो किसके समांतर हो जाएगा? EF के समांतर। बहुत बढ़िया। लेकिन CD पहले किसके समांतर था? AB के। तो AK को CD या EFO के समांतर है, AB के बराबर है, तो अभी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर नहीं, समांतर। इसलिए EF समांतर चाहे AB समांतर EF, समांतर बराबर में बहुत अंतर है। हर समांतर रेखाएं बराबर नहीं हो सकती हैं, और हर बराबर रेखाएं समांतर भी नहीं हो सकती हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत? उतर जाएगा, रात हो गई, रात का हो गया, टाइम से होने के बाद ही सो उतर जाएगा। याद पर एक बार ध्यान दो, सुनो, तुम लोग उतार लोगे। इसका जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को छापोगे नहीं, अपने से बनाओगे, ठीक? और जो नहीं बनेगा, जो फंसेगा, वो हमसे लाके पूछोगे, ठीक है ना? एग्जाम्पल 166 पेज नंबर का भारतीय भवन 166, एक दो तीन तो बनवा दिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 को एग्जाम्पल, तुम 9 बना के लगाओ, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? हाँ, तो चलते हैं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? चलिए।